और 90 दिन में $10 भी नहीं कंप्लीट है। समझ सकते हो ये हकीकत है एक सोशल मीडिया की YouTube। 48 घंटे में इनके चैनल पर मात्र 60 व्यूज आ रहा है, 60, समझ सकते हो ना। तो क्या कंडीशन होगी चैनल की, तो ये पूरा का पूरा चैनल बर्बाद हो चुका है दोस्तों। एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल बर्बाद। यहाँ पर साइड में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एक चैनल है जिसका नाम है टेक MK भाई, और इनके चैनल पर 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनका YouTube चैनल पूरी तरीके से YouTube पर मोनेटाइज है। आप लोग YouTube पर मेहनत करते हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम घंटा कंप्लीट हो जाए और हम YouTube से अच्छा खासा अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन ये आपकी पूरी की पूरी गलत फहमी रहती है। आज आपको मैं टेक MK भाई से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इन्होंने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जिस वजह से इनकी सालों साल की मेहनत बर्बाद हो गई और ये YouTube से अभी तक 1 रुपया अर्न नहीं कर पाए, जबकि इनका YouTube चैनल मोनेटाइज है। क्यों, आपका चैनल मोनेटाइज या नहीं? जी भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना, 3 महीने से इनका यूट्यूब चैनल प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज है, बट बिल्कुल भी यूट्यूब से 1 रुपया अर्निंग नहीं कर पाते। यहाँ पर साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट दिख रहे होगा, आप बताइए अपने चैनल पर कितने वीडियोस को डाल दिया अभी तक? अभी लगभग 150 वीडियो हो गए। तो इन्होंने 150 वीडियोस को डाल दिया है बट चैनल तो मोनेटाइज कर लिया, क्योंकि आप लोग किस वजह से यूट्यूब पर काम करते हो, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन चैनल के मोनेटाइज होने के बावजूद भी ये यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पा रहे, बिकॉज इन्होंने एक वो मिस्टेक की, वो गलती की जो आप लोग अभी अपने चैनल पर कर रहे हो, अभी जो काम कर रहे हो उसी के बीच में कर रहे हो, और आगे चल के आपका जब चैनल मोनेटाइज होगा, आप यूट्यूब पर ग्रो करोगे, तब भी आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमाओगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको मिस्टेक वो जानकारी पता चले और आप लोग भी ऐसा ना करें जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप अपने चैनल पर कितने दिन से, पहला वीडियो कितने साल या फिर कितने महीने पहले अपलोड किया था सबसे पहला वीडियो? 10 सितंबर 2019 को डाला था। 2019 को, तो आप लोग समझ सकते हैं इन्होंने अपने चैनल पर पहला वीडियो 2019 को डाला था और 2024 है, और इतने दिन के बीच में यूट्यूब पर अभी तक कितना रुपया कमाया भाई, कितने लाख हजार कितना कमाया? अरे भाई क्या बताओ, अभी तक $10 भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इनका YouTube चैनल मोनेटाइज हुए 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में कितना दिन होता है पता है? 90 दिन, और 90 दिन में $10 भी नहीं कंप्लीट है, समझ सकते हो ये हकीकत है एक सोशल मीडिया की YouTube की। अब आपको मैं आगे इनके चैनल को दिखाऊंगा और मिस्टेक बताऊंगा कि आखिरकार ये YouTube पर इतना मेहनत किए, 150 वीडियो को डाले, चैनल को मोनेटाइज किए, 3 महीना हो गया चैनल मोनेटाइज हुए पर फिर भी ये पैसा नहीं कमा पा रहे। अभी तक टोटल डॉलर इनका साइड में आप लोग देख सकते हैं $8 से $9 कंप्लीट हुआ, इससे ज़्यादा डॉलर नहीं है, और 7 दिन में $1 नहीं बढ़ता है। स्क्रीनशॉट में देखिए $1 आपको दिखेगा ही नहीं, इतना ये कंडीशन है, क्योंकि इनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आता है। और व्यूज़ क्यों नहीं आता है, आपकी वीडियोस पर नहीं आता, आपके चैनल पर नहीं आता, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो चैनल को चाहे मोनेटाइज कर लो, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, ना आपके चैनल पर व्यूज़ आएगा और ना आप यूट्यूब से पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका चैनल ओपन करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए ये पूरी तरीके से इनका चैनल मोनेटाइज है, 2307 सब्सक्राइबर्स हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट 28 दिन में मात्र $3 बना है, कितना, मात्र $3। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगा साइड में। अभी मैं आपको इनका चैनल दिखाता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन पे ओपन करके, ठीक है, कि एक्चुअली इन्होंने क्या गलती किया और किस रीज़न की वजह से आज इनका चैनल पूरी तरीके से बर्बाद है, यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमा पा रहे। चलिए यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आता हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं इनका चैनल मैंने साइड में ओपन कर लिया, आप लोग देखिएगा, और यहाँ पर वीडियोज़ वाले सेक्शन पर चलते हैं। 144 वीडियो को इन्होंने अपलोड कर दिया, 2000 सब्सक्राइबर, चैनल मोनेटाइज है, लेकिन चैनल की कंडीशन ज़रा देखिए यहाँ पर व्यूज, जो प्रॉब्लम आपकी है, 2 व्यूज 4 व्यूज 6 व्यूज 3 व्यूज 16 व्यूज, ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि व्यूज नहीं आ रहा? अब यहां पर पॉपुलर पे चल के मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली दिक्कत, एक्चुअली प्रॉब्लम, एक्चुअली गलती जो है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब ये 4 साल पहले इनके चैनल पर ये वीडियोस कुछ पड़ी हैं, देखिए इन पर व्यूज़ चेक करिए, 2900, 2600, 2500, 2400, ठीक है, व्यूज़ वगैरह आप लोग चेक करते दीजिए, 1800, 1800, 1700, इन वीडियोस पर यानी लगभग व्यूज़ ठीक ठाक आया है, 1900, 3000 इस तरीके से। और इनके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो पता है कहाँ से आए हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ इन वीडियो से सब्सक्राइबर्स आए हैं, बिकॉज इनके जो टेक वाली वीडियोस हैं जो ये अभी बना रहे हैं, उन वीडियो में से ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं आए, कोई खास व्यूज़ नहीं है, 1-2 वीडियोस पर 1500, 1600, 1700 व्यूज़ गए, नहीं तो टेक वाली वीडियोज़ पर कोई खास व्यूज़ नहीं है। तो जब उन पर व्यूज़ नहीं आया तो सब्सक्राइबर कहाँ से आएगा? तो इनके चैनल पर जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इनके इस तरीके की वीडियो के हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फिल्म वगैरह एल्बम वगैरह पहले अपलोड करते थे 4 साल पहले, ठीक है। तो अब इन्होंने गलती क्या किया जिस
वजह से इनकी जो बाद में मेहनत किया वो पूरी बर्बाद हो गई। इन्होंने क्या किया कि अपने कैटेगरी को कर दिया चेंज, ठीक है, कैटेगरी को कर दिया चेंज। अब इसके बाद ये उस लायक तो थे ना, यानी उतना तो इनको नॉलेज या फिर उतना बेहतरीन तरीके से काम कर नहीं पाए कि अपनी जो ऑडियंस थी उसको टेक कैटेगरी में बदल पाए। तो इस वजह से हुआ क्या कि इनके चैनल पर जो ऑडियंस था, जो सब्सक्राइबर्स था, वो टोटली एल्बम कैटेगरी का था, ये जो फिल्म वगैरह डाल रहे हैं, और फिर इन्होंने टेक कैटेगरी के वीडियोज डालना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि आप जब कैटेगरी को चेंज करते हो, बात को गौर से समझिए, ये गलती अगर आप करते हैं तो आप यूट्यूब से कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, चाहे 10 वीडियो डाले हो, चाहे 50, चाहे 100 और चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो, चाहे जितना मेहनत किए हो, वो मैटर नहीं करता। आज ये 4 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, 4 साल पहले इन्होंने एक वीडियो डाला था। तो जब ये यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं तो आप कितना दिन से काम कर रहे हो, 1 साल 6 महीने 5 महीने, समझिए बात को। तो अगर आप ये गलती करते हो कि आप अभी डाल रहे हो ब्लॉग के वीडियो, अभी आप फिल्म टाइप की वीडियो डाल रहे हो, बट आपका मान लीजिए उससे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, क्योंकि काफ़ी लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा, तो किसी भी प्रकार का वीडियो अपने चैनल पर डाल देते हो और सोचते हो कि मेरा इस वीडियो वायरल हो जाएगा और मेरे इस वीडियो से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम अपने चैनल को मोनेटाइज करके फिर हम कोई भी वीडियो डालेंगे और अच्छा खासा पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बीच में कैटेगरी को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए, कोई भी उसमें गारंटी नहीं है कि आप दोबारा से ग्रो कर पाएँ या फिर उतना उस हिसाब से व्यूज़ ला पाएँ। सेम इनके चैनल पर हुआ। यहाँ पर आप लोग देखिए, इनके सारी की सारी वीडियोस पर जो व्यूज़ है वो सारा एल्बम टाइप का है, ठीक है, और इनके चैनल पर जो ऑडियंस है वो भी इसी टाइप के है। और आपने शायद से कुछ वीडियो डिलीट भी किए हैं जिन पर ज़्यादा व्यूज़ था। मोनेटाइज करने के बाद मैं 10-15 वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, वीडियो डिलीट करने से चैनल का ग्रो डाउन हो जाता है। तो एक गलती इन्होंने ये भी किया कि अपने चैनल पर जैसे इन्होंने कैटेगरी को चेंज किया, फिर से काम करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने पुरानी वीडियोस को जिन पे थोड़ा बहुत व्यूज़ था उसको भी डिलीट कर दिया, तो ये भी गलती थी। तो अब अगर इन्होंने कैटेगरी को चेंज किया और चेंज करने के बाद इनका चैनल ग्रो नहीं किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते, बीच में इन्होंने देखिए यहाँ से पूरा कैटेगरी इन्होंने चेंज कर दिया और ये पूरा यूट्यूब टिप्स टेक कैटेगरी पर आ गए, लेकिन इनका जो ऑडियंस था वो फिल्म टाइप का था, एल्बम टाइप का था। तो यूट्यूब पर जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब इनके वीडियो को सबसे पहले इन लोगों के पास भेजता है जो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। कितने लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो 2300 लोग सब्सक्राइब किए, इनके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, लेकिन वो लोग इन वीडियो को देखेंगे नहीं जो ये अभी लेटेस्ट में अपलोड कर रहे हैं टेक कैटेगरी के, इन वीडियोज़ को देखना नहीं चाहेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई कैसे आपकी वीडियोस पर व्यूज आएगा। और आज के टाइम पे 90% लोग ये गलती करते हैं, दूसरे को देखकर चैनल ओपन कर लिया, इससे मोटिवेट हो गए, उससे मोटिवेट हो गए और किसी भी कैटेगरी का बिना समझे चैनल ओपन कर लिया। अरे भाई, जब आपको नॉलेज नहीं, टैलेंट नहीं है, या फिर आप उस कैटेगरी पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों उस कैटेगरी पर काम करिए? फिर यही दिक्कत होगा कि 10 दिन बाद आप फिर से कैटेगरी चेंज करेंगे, तो ऐसे में आप यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। अब इनके चैनल पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिससे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, अब ये टेक कैटेगरी पर काम करने लगे, सोचे कि हमारा अच्छा खासा पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेक कैटेगरी पर आए और मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्होंने वो गलती कर दिया। तो यही गलती अगर आप लोग अपने चैनल पर करते हो, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि कई यूट्यूबर्स हैं जो कैटेगरी चेंज करते हैं और उनका चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसा तभी होता है कि जब आपके चैनल पर लाख या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो। मान लीजिए 10 लाख सब्सक्राइबर्स, आपने कैटेगरी चेंज कर दिया, तो अगर आपकी वीडियोज़ पर 10-20-30 हज़ार व्यूज आ रहा है तो उतना तो आएगा ही ना, उतना तो इनके वीडियोज़ पर भी आ रहा है, 4-6-7-8, तो उसका तो उस हिसाब से आ रहा है ना। अब इनके चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स है तो उस हिसाब से 2-4-6 व्यूज आ जाते हैं, तो बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि इनके द्वारा मैंने मंगाया था वाईटी स्टूडियो का। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, 48 घंटे में इनके चैनल पर मात्र 60 व्यूज आ रहा है, 60, समझ सकते हो ना, तो क्या कंडीशन होगी चैनल की। तो ये पूरा का पूरा चैनल बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, सब्सक्राइबर्स मात्र 28 दिन में 25 बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर लास्ट 28 दिन में जो इंप्रेशन है वो मात्र 9,500 है, इंप्रेशन है, ये व्यूज नहीं है। तो आप लोग समझ सकते, जब इंप्रेशन इतना डाउन रहेगा तो व्यूज क्यों डाउन नहीं आएगा। तो इंप्रेशन कब डाउन होता है? जब आप गलत तरीके से यूट्यूब पर काम करते हैं, बिना चीजों को समझे कूद पड़ते हैं, अपना मनमौजी तरीके से वीडियो को डालते हैं। अभी यहां पर सीटीआर देखिए इनके चैनल का, 3.3%। क्यों सीटीआर डाउन है? बिकॉज इनकी ऑडियंस ही इनकी वीडियो पर नहीं क्लिक करती है। और यूट्यूब पर मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपकी वीडियो पर सबसे ज्यादा सीटीआर मैटर करता है आपके चैनल पर। इनका सीटीआर देखिए मात्र 3% है, 3% पे कितना व्यूज आएगा? लोग इनकी वीडियो पर क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं? बिकॉज इनके पास जो लोग हैं वही गलत हैं।
वही दूसरे कैटेगरी के हैं तो क्यों इनकी वीडियोस पर लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एवरेज ड्यूरेशन मात्र 47 सेकंड का। अब ये यूट्यूब टिप्स पर काम कर रहे हैं इस टेक कैटेगरी पर। इस कैटेगरी पर कम से कम 3 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट का तो एवरेज ड्यूरेशन होना चाहिए, मात्र 47 सेकंड। बिकॉज इनके पास जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो इनको देखना ही नहीं पसंद करते, बिकॉज इन्होंने कैटेगरी और पूरा अपना चैनल का जो कैटेगरी था उसको पूरा चेंज कर दिया। तो ये गलती इनके चैनल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज ये 3-4 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके जैसे, लेकिन चैनल को मोटाइज करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पा रहे, बिकॉज इन्होंने ये कि ये छोटी सी गलती जो आप लोग अभी कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने चैनल स्टार्ट किया, अभी जो गलती करोगे उसको बाद में भुगतना पड़ेगा, और इनकी जो मेहनत है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद है। तो ये गलती आपको अपने यूट्यूब करियर में भी नहीं करना, जो कि इन भाई ने किया है, जिस वजह से चैनल मोटाइज है, चैनल पर डॉलर बन रहा है, लेकिन ये कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, किसी भी तरीके से खुश नहीं है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो कि आखिरकार अगर आप लोग अपने चैनल पर इन भाई के जैसे ये गलती है, मिस्टेक करते हैं, तो आप भी यूट्यूब पर चाहे अपने चैनल को मोटाइज करा लें या फिर लाखों में सब्सक्राइबर्स बना लें, लेकिन एक भी रुपया यूट्यूब से नहीं कमा पाएंगे। सच्चाई हकीकत है, विद प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ये गलती है मिस्टेक नहीं करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। एम चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली जाकर पूछ सकते हैं। और ये छोटी छोटी गलती अगर आप लोग अपने चैनल पर करना बंद करते हैं, तो यकीन मानो आप 2024 में सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।